नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका तुला राशि के दिसंबर के प्रेडिक्शन के बारे में। और आज का ये प्रेडिक्शन है, यदि आपकी चंद्र राशि तुला है, यदि आपकी सूर्य की राशि भी तुला है, या तो आपका जन्म का लग्न तुला है, तो ये प्रेडिक्शन आपको सटीक इफेक्ट करने वाला है। और यदि सूर्य चंद्र दोनों साथ में है कुंडली में, तो इसका जबरदस्त इफेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे राहु केतु की ट्रांजिट के बारे में। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का जो परिवर्तन हुआ है, ये पर्टिकुलरली राहु आपके 6th हाउस के अंदर हैं, केतु आपके 12वें स्थान के अंदर चल पड़े हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ है। राहु आपके शत्रु विजय करवाने वाले हैं, जबकि केतु आपके खर्चे बढ़ाने वाले हैं। प्रिडिक्शन में बात करेंगे राहु केतु के बाद आपके राशि के अधिपति ग्रह, आपको कमांड करने वाले ग्रह शुक्र ग्रह के ट्रांजिट के बारे में। शुक्र का ट्रांजिट आपकी राशि के अंदर है, तुला राशि के अंदर, और ये ट्रांजिट 24 दिसंबर तक आपकी राशि के अंदर हैं, जो कि लव मैटर में सक्सेस देने वाले हैं। अविवाहित जातकों को विवाह का, एंगेजमेंट इत्यादि का भी योग बनता है। 24 दिसंबर से शुक्र चलेंगे वृश्चिक राशि के अंदर, तो ये ट्रांजिट भी आपके लिए शुभ परिणाम देने वाली होगी। और शुक्र का जो ट्रांजिट है धन भाव के अंदर, आपके वाणी में जितनी मिठास नरमास रखेंगे, इतना ही आपको ये लाभ करने वाली होगी। मैं नैना जी, सूर्य धन भाव के अंदर चल रहे हैं 16 दिसंबर तक, मंगल के साथ हैं। वाणी में उग्रता ना हो उसका खास केयर करना होगा। यू शुड बी टेक केयर अबाउट योर आई साइट। और विवाहित जो जातक हैं, इनको अपने इन लॉज के साथ भी रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका भी केयर करना होगा। सूर्य का जो ट्रांजिट है ये 16 दिसंबर तक है, मंगल का ट्रांजिट 27 दिसंबर तक वृश्चिक राशि के अंदर आपके धन भाव के अंदर है, जो आपके आँख कान नाक दांत इत्यादि अंगों को भी विशेष प्रभावित करने वाला है। सूर्य 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और चलेंगे धनु राशि के अंदर, इट्स कॉल्ड धनु संक्रांति। 16 तारीख को शाम को 4 बजे बदलने वाले सूर्य धनु राशि के अंदर, शाम को 4 बजे से लेकर सूर्य अस्त तक संक्रांति का पुण्य काल रहेगा। और संक्रांति के पुण्य काल में किए गए विशेष मंत्र दान परिणाम शुभ फल देने वाले होते हैं, तो संक्रांति काल में विशेष ध्यान मंत्र, सूर्य ग्रह का मंत्र, या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी आपके इष्ट देव देवी या इसके अंदर भी आपको आस्था श्रद्धा ज़्यादा है, इसके मंत्र परिणाम करें, दान पुण्य मंत्र करें। शाम को 4 से 6, 16 दिसंबर, संक्रांति का विशेष महत्व है कि मकर संक्रांति से पहले ये आने वाली ये नई संक्रांति है, धनु संक्रांति है, जो भी सुखद और बहुत शुभ परिणाम देने वाली है दान पुण्य मंत्र के रिगार्डिंग। तो बदलने वाले जो सूर्य हैं 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक आपके पराक्रम भुवन के अंदर हैं, साहस भुवन के अंदर होंगे आपके सूर्य, जो अद्वितीय साहसिकता आपकी बढ़ाने वाले होंगे। तो साहस तो जरूरी है, क्योंकि बिना साहसिकता के कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, या जो भी मतलब बड़े कार्य करने वाले होते हैं, इनको लाइफ में कुछ ना कुछ तो रिस्क उठाना ही पड़ता है। फेल्योर के डर से कुछ काम ना करे तो आगे कोई काम कुछ नहीं कर सकता है। तो आपकी हिम्मत खुल जाएगी 16 दिसंबर को जब सूर्य चलेंगे पराक्रम भाव के अंदर। 27 दिसंबर से और भी साहसिकता बढ़ेगी, क्योंकि मंगल भी चलेंगे धनु राशि के अंदर, और
और मंथ एंड के अंदर जो शुक्र है ये 24 दिसंबर को चलेंगे धन भाव के अंदर, जो भी आपके धन सुख में वृद्धि करने वाले बनेंगे। गुरु का ट्रांजिट सप्तम स्थान के अंदर, पर्टिकुलरली हु आर बॉर्न इन स्वाति नक्षत्र, दे आर फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल फ्रॉम देयर पार्टनर। सातवें स्थान में जो चलने वाले गुरु अश्विनी नक्षत्र में हैं, जिनका जन्म का सूर्य स्वाति है या चंद्र स्वाति है, ये दोनों जातक भारी अनकंफर्टेबिलिटी महसूस करेंगे अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर के साथ बिहेवियर से, या तो कुछ भी प्रकार के बिजनेस में पार्टनरशिप है या लव रिलेशनशिप में है या मैरिड है, ये तभी सभी जातक थोड़ा अनकंफर्टेबिलिटी महसूस करेंगे। और साथ में जो शनि का भी शतभिषा नक्षत्र है, ये ट्रांजिट भी चौथे स्थान के अंदर मकान वाहन प्रॉपर्टी के अंदर भी कुछ खर्च आ सकता है, या तो माता के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है और जॉब में अपर लेवल से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो स्वाति वाले जातकों के लिए ज़्यादा अनकंफर्ट जोन होगा, क्योंकि शनि भी नक्षत्र जो है ये शतभिषा में है। अब स्वाति का और शतभिषा का और अश्विनी का बेसिक कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर बनता है कि स्वाति जो है इस जातकों की योनि जो है ये महिषी योनि है, महिषी बोले तो भैंस, और जो शतभिषा नक्षत्र है इसकी योनि है अश्व, और गुरु भी अश्विनी में है उसका भी योनि है अश्व, अश्व बोले तो घोड़ा, और तारा चक्र से ये दोनों कट्टर शत्रु हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि जो ये फरवरी तक चलने वाली ट्रांजिट है गुरु की पर्टिकुलरली अश्विनी नक्षत्र में, ये थोड़ा ज़्यादा अनकंफर्ट जोन है आपके लिए, तुला के लिए। तो उसकी रेमेडी के लिए इफ़ इट इज़ पॉसिबल आपके सराउंडिंग में कहीं घोड़े हैं तो आप घोड़े को चना खिलाइए, और यदि ये पॉसिबल नहीं है तो कांस्टेंट मंत्र करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अन्यथा आपके जो भी इष्ट देव देवी हैं जिनको आप मानते हैं, अन्यथा लास्ट में तो फाइनल ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र तो है ही है, ये आप करिए। और वैसे जो ग्रहों का सिचुएशन है दिसंबर के अंदर आपके लिए फेवरेबल है, और पर्टिकुलरली जैसे हम चौथे आठवें बारहवें चंद्र के बारे में बात करते हैं हर मंथ के अंदर, तो दिसंबर में आपके लिए कौन सा रहेगा चौथा आठवां बारहवां चंद्र वो भी आपको बता देते हैं। तो जिसमें आपको खास करके लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो आप सबको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तो दिसंबर में सबसे पहले तो आपको जो चंद्र होगा वो कन्या का चंद्र होगा 6 तारीख को 6, 7, 8, ये चंद्र आपकी राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। तो 12वें स्थान के चंद्र में लिए गए डिसीजन गलत सिद्ध हो सकते हैं, तो इसमें खास करके यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग के अंदर भी आपका खर्चा हो सकता है। जो डेट रहेगी 6, 7 और 8 दिसंबर, इसके बाद जो मकर के चंद्र हैं वो भी आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग करवाने वाले होंगे, वो डेट रहेगी 15, 16, 17 दिसंबर। और उसके बाद जो आपको आठवां चंद्र होगा वो होगा 24, 25 और 26 की सुबह 10 बजे तक हैं, तो ये तारीखों के अंदर 24, 25, 26 पर्टिकुलरली आठवां चंद्र है, तो आठवें चंद्र में कहीं ना कहीं आपको व्हीकल ड्राइव में भी गैर करना है, और नदी समंदर तालाब किनारे घूमने जाते हो तो पानी में आपको अंदर ज़्यादा नहीं उतरना चाहिए, और हर कार्य जो भी आप करते हैं सोच समझ कर, घर में भी आप कहीं गिर ना जाए, फिसल ना जाए, शुड बी टेक केयर अबाउट दैट, क्योंकि एक्सीडेंट का मतलब ऐसा नहीं कि ऑलवेज व्हीकल के ऊपर ही होता है, घर में भी आप कहीं फिसल जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते उतरते कहीं फिसल जाते हैं तो इट्स कॉल्ड ऑल्सो एक्सीडेंट। तो
ओवरऑल प्लैनेटरी सिचुएशंस आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभ है। गुड लक। तुला राशि वाले आपके कोई मित्र हैं तो इनको आप प्रेडिक्शन जरूर शेयर करें, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं।